हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं हिंदी को। काफ़ी दिनों से हिंदी बिल्कुल रुकी पड़ी थी और यार बहुत सारे सब्सक्राइबर तो गुस्सा भी हो गए हैं, सर आपसे कितने दिन से कर रहे हैं हिंदी पढ़ाने के लिए, आप सुनते नहीं हो। हाँ जाइए, हमको आपका चैनल नहीं देखना है। अरे यार सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ। पता है ना, मैं आप सभी को पता है मैं अकेले हूँ, मेहनत तो कर रहा हूँ यार, कितना मेहनत करूँ। हाँ थोड़ा सा साथ दिया करिए आप लोग, ठीक है, गुस्सा मत हुआ करिए। आप लोग नाराज हो जाएंगे यार तो फिर मैं कैसे रहूँगा। हाँ आप मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, ठीक है, आपको आगे बढ़ाने का उद्देश्य है मेरा। आप लोग साथ छोड़ दोगे तो मैं किसको आगे बढ़ाऊँगा। हाँ आप ही लोगों की वजह से तो मेरी दुनिया है, ठीक है। तो आइए आज पढ़ा ही देता हूँ आपको छंद। तो आज मैं बहुत मेहनत किया हूँ यार, इस छंद वाले टॉपिक को लिखने में मुझे बहुत मेहनत लगी, क्योंकि ऐसा तो रहता नहीं कि मैं पहले से लिखा हूँ। और आज जितनी हिंदी की किताबें थी सब मैंने एक साथ लेके बैठ गया। वासुदेव नंदन की किताब, पृथ्वीनाथ पांडे की किताब, एक आदित्य पब्लिकेशन है, बाकी मेंस तक की कोचिंग के नोट्स, चाहे वो धे आईएएस के नोट्स हों, चाहे जीएस वर्ड्स के नोट्स हों, चाहे वो दृष्टि आईएएस के नोट्स हों, इसके अलावा पूरा का पूरा जितने भी हिंदी छंद के मामले में इंटरनेट पर जितनी वेबसाइट हैं, कम से कम कुछ नहीं मैंने 17-18 वेबसाइट को पढ़ा। मतलब मैं आज करीब 5 घंटे से मेहनत कर रहा हूँ इस छंद के चैप्टर को बनाने में, बहुत मेहनत किया। और जब मैं पूरा बना लिया ना तो मैं खुद ही परेशान हो गया। मैंने सोचा यार इस चीज़ को बना तो लिया लेकिन आज मैं पढ़ाऊँगा कैसे, आज मैं इसको पढ़ाऊँगा कैसे, ठीक है। तो पहले मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि लोगों को एक लाइन में ये बता दिया जाए, सिंपल सिंपल मैंने बना भी लिया फार्मूला, ठीक है, कि अगर उनके सामने कोई भी पद दिया है तो वो उनको कैसे पता चलेगा कि ये दोहा है कि सोरठा है, ठीक है, या फिर गीत का है कि हर गीत का है कि चौपाई है, ये बात कैसे पता चलेगा उन्हें, ठीक है, क्या इसका कोई तरीका होता है। तो मैंने वो तरीका बता दिया। अभी दोस्तों जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, जब उस टॉपिक पे पहुंचूंगा, ऐसे मतलब कि आप लोगों को चुटकी भी नहीं बजाना यार, देखना है खाली, देख के तुरंत उत्तर बता दोगे, सर ये चौपाई है, सर ये दोहा है, सर ये गीतिका है, ये हरि गीत का है, देख के बताओगे उत्तर, कुछ नहीं याद करना है। लेकिन अभी क्या होता है, क्वेश्चन और डीप में पूछता है। अब आपसे ये पूछ दिया कि बताइए आपकी सोरठा में कितने पद होते हैं, ठीक है, तो आपको जब प्रथम पद जो सम पद है, विषम पद है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। पूछ देता है छंद कितने प्रकार का होता है, तो अब इसका उत्तर आप कैसे दोगे, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो पहले मैं सोचा कि आपको डायरेक्ट ये सिखा दूंगा, डायरेक्ट छंद बता दोगे आप, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, आपको डीप में लेके चलता हूँ, जो मेरी आदत रही, अपने आदत से मैं बाज आने वाला नहीं हूँ, आपको डीप में पढ़ाऊंगा। मैं 2 पार्ट में मैं छंद को खत्म कर दूंगा, सिर्फ 2 पार्ट में, ये पहला पार्ट है, आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए छंद दोस्तों, जब मैंने पढ़ा छंद तो तमाम जगहों पर मिला कि ये अलग अलग लोगों ने 2 बातें कहा, मैंने कहा दोनों नोट कर देता हूँ। छंद दो है दोस्तों, कई जगह लिखा हुआ कि ये चद धातु से मिलकर बना हुआ है और कई जगह लिखा है छदी धातु से मिलकर बना हुआ है। छद के बारे में एक श्लोक भी दिया हुआ है, श्लोक टाइप में, छंदासी आच्छादनात्, छंदासी आच्छादनात्, इसका अर्थ होता है दोस्तों कि आच्छादित, आच्छादित यानी ढकने के कारण, आच्छादित करने के कारण इसे क्या कहा गया है, छंद कहा गया है। किसी भी काव्य रचना को आच्छादित कर लेता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, छंद कहा गया। हालांकि सिंपल अर्थ में अगर इसका अर्थ हम समझे तो इसका अर्थ होता है आह्लादित करना, खुश कर देना, प्रसन्न कर देना, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है छंद का अर्थ। दोस्तों छंद की चर्चा सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया, ठीक है, तो ऋग्वेद के किस मंडल में, 10वें मंडल में दोस्तों पुरुष सूक्त दिया गया है, उस पुरुष सूक्त के अंतर्गत इस छंद की चर्चा की गई सबसे पहले ऋग्वेद में, ठीक है, सोचो इतना पुराना है। इसके बाद आचार्य पिंगल मुनि ने एक रचना किया छंद शास्त्र की, ठीक है, आगे चल के इसी छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि भैया पिंगल मुनि ने रचना किया था इसलिए उस छंद शास्त्र से कम जाना गया, प्रसिद्धि मिली, इसको जो प्रसिद्धि मिली वो पिंगल शास्त्र के नाम से प्रसिद्धि मिली है, ठीक है। तो छंद के मामले में जो सबसे बड़े आचार्य हैं वो कौन हैं, आपके पिंगल मुनि जी हैं। अब एक नोट देखिए, कहा गया है कि यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है, गद्य की कसौटी व्याकरण मतलब पूरा का पूरा गद्य व्याकरण पर डिपेंड होता है, तो कविता की कसौटी क्या है, छंद है, कविता की कसौटी छंद है। और मैं नमन करता हूँ भाई ऐसे विद्वानों को जिन्होंने छंदों की रचना किया, जिन्होंने दोहा लिखा, जिन्होंने चौपाई लिखा। यार आप एक चौपाई जीवन में नहीं लिख सकते, बड़े टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसके, सोच ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है, हम लोग शायरी बना सकते हैं, शायरी बना सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि छंद की परिभाषा क्या है, तो याद रखिए निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक और गढ़, तुक ताल और गढ़, इन सभी के द्वारा नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। ओहो सर, इतना लंबा चौड़ा याद कैसे होगा, याद होगा, याद होगा, बिल्कुल घबराओ मत,
एकदम घबराना नहीं, मैंने बहुत इत्मीनान से चीजों को लिखा है, ठीक है। तो इस परिभाषा में जितने शब्द आ रहे हैं उसको याद रखो। पहला आ रहा है उन, जितना मैंने वर्ड लिया सबको मैंने छंद का अंग बना दिया कि इसको आप छंद का अंग मान लो, ठीक है। पहला है चरण, चरण को दोस्तों पद भी बोलते हैं या पाद भी बोला जाता है। दूसरा है वर्ड या मात्रा, तीसरा है संख्या और क्रम, चौथा है गढ़, पाँचवा है गति, इसके बाद यति, यति माने होता विराम, और सातवां है लास्ट में तुक। दोस्तों इसका काम क्या होता है, देखो आप अगर कोई भी छंद का निर्माण होगा ना तो इन सात तत्वों को मिलाकर ही छंद का निर्माण होता है। अगर कोई भी इसमें से एक गायब हो गया तो छंद वंद बन नहीं पाएगा, ये सातों आना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा, परेशान मत होना, ठीक है। 5 मिनट में खत्म कर दूंगा ये पॉइंट, ये आठों सातों। देखिए तो चरण, पाद और पद, ये क्या होता है, याद रखिए छंद में हमेशा चार चरण होते हैं। अब यार अगर आप यही नहीं पढ़ोगे तो कभी आप समझ पाओगे कि छंद में कितने चरण होते हैं? तो हमेशा याद रखना छंद, छंद मतलब खाली दोहा सोरठा चौपाई नहीं, अरे दोहा सोरठा गीत का हर गीत का बरवय, ठीक है, ये सब का सब शामिल कर लो। छंद में हमेशा 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 चार चरण ही होता है, चार चरण होता है। पहले और तीसरे को विषम बोला जाता है। कोई नया बात बोल दिया क्या आपको? नहीं पता था कि एक और तीन को विषम कहते हैं और दो चार को सम कहते हैं? तो पहली और तीसरी लाइन विषम चरण है और दूसरी और चौथी लाइन सम चरण है। बोलो मैंने क्या आपको एक्स्ट्रा बता दिया यार? खाली इतना ने बताया कि कितने चरण होते हैं, चार चरण होते हैं। अभी शुरू से मैं एक पेज का जो लेक्चर दिया हूं इसमें से खाली आप एक लाइन याद रखो, क्या कि कितने चरण होते हैं, चार। कोई दिक्कत? इतना मैं लेक्चर जो दिया हूं इसमें से खाली एक लाइन आपके काम की चीजें जो भी याद रखो, चार चरण होते हैं। अरे याद तो सब रखोगे यार, ऋग्वेद के दसवें मंडल में पुरुष सूक्त में बताया गया, पिंगल शास्त्र पिंगल मुनि सब याद करने वाली चीज है, लेकिन जो आपको जरूरी याद करना वो है चार। आगे देखिए, अब कई बार ऐसा भी होता है कि चरण तो चार ही होते हैं लेकिन उसको दो लाइन में लिख देते हैं। तमाम लोगों ने क्या किया कि चार चरण को उठा के दो लाइन में लिख दिया, ठीक है। तो अगर दो लाइन में लिख दिया तो याद रखिए तब उस दोनों उस पंक्ति को दोस्तों दल कहा जाने लगा, उस पंक्ति को क्या कहा जाने लगा, दल। नहीं तो चार चरण में था, अरे लाइंस लिखा था ऐसे ऐसे करके तो हम चार चरण बोल देते थे। अभी क्या किया गया, इसको ऐसे ऐसे लिख दिया गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका दल हो गया, एक पंक्ति को दल कहा जाता था, ठीक है। तो दो लाइन में आ गया, जैसे दोहा, दोहा कभी भी आप देखोगे दो लाइन में रहेगा, चरण चार रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पवन तनय संकट हरण एक चरण हो गया, मंगल मूर्ति रूप, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लख, सॉरी यार, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो इसको ये दोहा ही है दोस्तों, ठीक है, ये दोहा ही है, बसरते इसको क्या किया गया है कि उठा के चरण चार ही है लेकिन क्या किया गया है, दो 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 पद में लिख दिया गया है, मतलब कि दो पंक्ति में इसको नोट कर दिया गया। इसी तरह से जो सोरठा होता है, ठीक है, तो दोहा और सोरठा, अरे यार पता है दोहा सोरठा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। जो नियम दोहा रहेगा उसी का उल्टा सोरठा रहेगा, ठीक है। अभी बताऊंगा आगे चल के आपको, एक लाइन में आप याद भी कर लोगे, समझ रहे हो इतनी बात ना। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी छंद होते हैं जो 6 लाइन में लिखे होते हैं। क्या बात कर दिया सर, 6 लाइन में, क्यों 6 लाइन में लिखे होते हैं? अरे कुछ लोगों ने लिख दिया। अभी याद रखो कि ऐसे छंद दो छंदों के योग से बनते हैं, ऐसे छंद दो छंदों के योग से बनते हैं। अरे हमने तो पढ़ा चार ही चरण होगा, ये 6 लाइन में कैसे आ गया? चार चरण को हम 2 लाइन में लिख दें या चार चरण को हम 4 लाइन में लिख दें तो बात समझ में आता है, लेकिन चार चरण को हम 6 लाइन में कैसे लिख देंगे, आप बताओ, नहीं लिख सकते हैं। तो हमने कहा यार देखो दो चीजें याद रखो, एक कुंडलिया एक छप्पे। जब दोहा और रोला मिलता है, दोहा और रोला मिलता है तो कुंडलिया बनता है, ठीक है। और अगर इसी रोला के साथ उल्लाला मिलता है, उल्लाला 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 वही उल्लाला, तो क्या बनता है, 56 भोग बनता है, छप्पे छप्पे। याद रखिए रोला और उल्लाला मिलेगा तो क्या बनेगा, छप्पे, और दोहा और रोला मिलेगा तो क्या मिलेगा, कुंडलिया। यार गाना बजाना करता हूँ ना तो आप लोग नाराज मत हुआ करो, ये मैं चाहता हिंदी पढ़ रहे हो ना, बोर हो जाओगे यार, इसलिए थोड़ा सा एंटरटेन करके पढ़ाता हूँ। चलो इतना समझ गए आप, तो ये तो रही बात यार चरण की। इसके बाद हम लोग अगली बात करते हैं वर्ड और मात्रा की, बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सीख नहीं पाओगे छंद। अभी 2 पार्ट में खत्म कर दूंगा ना, भरोसा रखो, ठीक है, परेशान मत हो, अब वीडियो को भगाने वाला काम मत किया करो, ठीक है। अच्छे से देखो, ध्यान से, वर्ड और मात्रा क्या होता है। देखो वर्ड को हम क्या बोलते हैं, अगर एक छोटी सी ध्वनि है जो खंडित नहीं हो सकती वही तो वर्ड कहलाता है, अखंडित ध्वनि को ही वर्ड कहते हैं, पढ़ाया हूं आपको मैं। और वर्ड जो होता है 2 तरह का होता है, एक ह्रस्व होता है एक दीर्घ होता है। जिन वर्डों के उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व होता है, जिसमें दुगुना समय लगता है वो दीर्घ होता है,
जिसमें ह्रस्व का दुगुना समय लगे वो दीर्घ है। अब जैसे अ ई उ रि, इसको क्या बोलते हैं? ह्रस्व बोलते हैं। लेकिन आ ई बड़ी बड़ा उ ए ऐ ओ औ, ये सब क्या हो जाएगा? और नहीं औ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर इसके मात्रा दे दिया, जैसे क, क में अ शामिल है, कु की क्री, तो इसको भी क्या, इसको भी हम ह्रस्व मानते हैं। इसी तरह ख के साथ ग घ अंगा किसी के साथ भी लगा दो तो ये सब ह्रस्व ही रहेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए का की कु के कै को कौ, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब दीर्घ माना जाता है। कोई दिक्कत? तो यही है वर्ण और मात्रा। अब ये तो रहा वर्ण की बात, मात्रा में क्या होता है? देखिए ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। ध्वनि के उच्चारण काल को किसी से पूछ दो मात्रा किसे कहते हैं, कोई नहीं बता पाए, कहेगा आ आ ई ये मात्रा है। पूछो मात्रा की परिभाषा क्या है, किसी से जाकर पूछो, ठीक है। याद रखो ध्वनि के उच्चारण काल को, जैसे की तो लंबा खींच रहे हैं, की कु कु, ठीक है, तो क्या है ये ध्वनि का जो उच्चारण काल है, जो समय लग रहा है, यही क्या है? यही मात्रा कहलाता है। तो ह्रस्व और दीर्घ दोनों जो चीजें थी ये मात्रा में भी शामिल होती हैं। अब देखिए मात्रा और वर्ण में जो एक सिंपल सा अंतर है वो ये है कि वर्ण में स स्वर अक्षरों को भी हम शामिल कर लेते हैं। स स्वर अक्षर मतलब क कु की क्री, इनको भी हम ह्रस्व मान लेते हैं, लेकिन मात्रा में सिर्फ स्वर को माना जाता है। स्वर मतलब मात्रा में अ ई उ ऋ, केवल इसको ह्रस्व माना जाएगा और इसको दीर्घ माना जाएगा। जबकि अगर हम वर्ड की बात करेंगे, वर्ड की बात करेंगे तो ह्रस्व में इसको भी ह्रस्व बोलोगे और इसको भी ह्रस्व बोलोगे, इसको भी दीर्घ बोलोगे और इसको भी दीर्घ बोलोगे। अंतर समझ गए? वर्ड और मात्रा में कितना बड़ा डिफरेंस है, नहीं पता था मुझे, पता है नहीं पता था आप लोगों को, ठीक है, तो समझाना पड़ता है, इसको याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बस बहुत जल्दी हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने टॉपिक पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये, अगर ग्राफ अपने तैयार कर लिया तो जान लो कि आप बहुत आराम से चीजों को कर पाओगे। लघु वर्ण और गुरु वर्ण, गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। जैसे अ ई उ रि, ये क्या था? लघु, लघु माने यार ह्रस्व, ठीक है, और दीर्घ माने गुरु, ठीक है। आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये क्या हो गया आपका? ये गुरु हो गया। इसके अलावा अगर मैं क की कु क्री, छोटा छोटा मात्रा लगाना, छोटी है तो छोटी ही मात्रा, छोटा हुआ तो छोटा हु, री है तो री, इसी को खाली, ठीक है, तो ये आपका लघु वर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर यही बड़ा मात्रा लग गया तो क्या हो जाएगा? सब आपका गुरु वर्ड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों याद रखो अंग और अह, औ के बाद अंग, अंग के बाद अह, ये दोनों भी इसी में आते हैं। जैसे इंग से बनता है इंदु, ठीक है, अनुस्वार है यहाँ पे इंदु बिंदु, ठीक है। इसी तरह तह, तह से भी बहुत वर्ड बनता है, शब्द बनता है ध से भी, ठीक है, तो याद रखो। जैसे प्रातः, ठीक है, तो याद रखो, जैसे यहाँ पे बन सकता था सायंग, ठीक है, तो याद रखिए अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों को कहाँ शामिल किया जाता है? तो इसको गुरु वर्ण माना जाता है। इफी की जगह अगर चंद्रबिंदु लगा दोगे, जैसे चंद्रबिंदु लगा दिए चांद, ठीक है, या आंसुअन या हंसी, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे आप? ये लघु वर्ड में शामिल किए जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। इसके अलावा कोई भी संयुक्त व्यंजन अगर है तो उसको भी आप लघु वर्ड में शामिल करोगे। संयुक्त व्यंजन को किस में शामिल करते हैं? लघु वर्ड में, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, यहाँ पे आपको नंबर देना है, यहाँ पे आपको क्या देना? नंबर। सभी लघु वर्डों को कितना नंबर देना? एक। और सभी गुरु वर्ड को कितना नंबर देना है? दो। कोई दिक्कत आपको? अंतर थोड़ा सा ये होता है दोस्तों, ये लोग एक को एक लिखते हैं, दो को उल्टा दो लिखते हैं, है ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, ये दो लिखते हैं, ठीक है, हम लोग दो ऐसे लिखते हैं, तो याद रहेगा आपको। चलिए इसके अलावा अगर अग्र है कहीं पे, वक्र है, तो याद रखो इसको संयुक्ताक्षर बोलते हैं, संयुक्ताक्षर, ठीक है। तो अगर इस तरह के शब्द हैं तो इसके पहले के वर्ड को हम दो नंबर दे देंगे, ठीक है। और अगर राजन, जहां पे हलंत लगा मिले, तो हलंत के पहले का वर्ड भी किस कितना नंबर दे देंगे? उसको भी दो नंबर देंगे। ये दो पॉइंट अलग से याद रखो, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब कहानी शुरू करते हैं आज की अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ध्यान से पढ़ते चलो। छंद अपने आप में बहुत टिपिकल टॉपिक है और इतने आसान वे में आपको दो पार्ट में मैं सिखा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि मेहनत किया गया यहां पर। अब आपको समझना है संख्या और क्रम के बारे में, संख्या और क्रम के बारे में। तो याद रखो लघु और गुरु के स्थान का जो निर्धारण होता है, किस जगह पर लघु है, किस स्थान पर गुरु है, ये क्रम कहलाता है, ठीक है। संख्या किसको कहते हैं? वर्डों और मात्राओं की जब गणना करेंगे, जब जोड़ेंगे कितना वर्ड है कितना मात्रा है, तो उसी को हम संख्या कहते हैं, ठीक है। बहुत टिपिकल नहीं है, याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो खाली वीडियो को देखते चलो, उत्तर तो हम निकालना सिखा ही देंगे, ठीक है, वो तो चुटकी में सिखा देंगे। अब ध्यान दीजिए कि कभी भी अगर दो तरह छंद, तो ऐसे तीन तरह होते हैं, एक वर्डिक छंद होता है, एक मात्रिक छंद होता है, एक मुक्तक छंद होता है, ठीक है, तीन होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं एक वर्डिक वृत्त,
इसको एक चौथा छंद मानते हैं लोग, तो मानने दो हम लोग तीन ही मानेंगे, ठीक है। तो वैदिक छंद में क्या होता है, यह याद रखिए, सभी चरणों में संख्या और क्रम दोनों बराबर होता है। अभी आगे मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा तो ये बात आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और मात्रिक छंद में संख्या तो बराबर होती है लेकिन क्रम बराबर नहीं होता है, क्रम बराबर नहीं होता है, याद रहेगा। वैदिक में संख्या क्रम बराबर होती, मात्रिक में नहीं होता। आगे एग्जाम्पल दूंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है, टेंशन मत लो। आगे देखो चौथे नंबर पे गढ़ क्या होता है, सात पॉइंट पढ़ना था ना, चौथे पे आ गए, ठीक है। गढ़ माने होता है दोस्तों समूह, ठीक है। और याद रखो गढ़ केवल वर्णिक छंदों के मामले में लागू होता है, मात्रिक छंद में गढ़ की कोई गिनती नहीं होती है। तीन वर्गों का एक गढ़ होता है, वैसे तो गढ़ों की संख्या आठ होती है, तो एक फार्मूला इसका मैं बनाया हूं, ए माता राजा भाग नाग साग, ए माता राजा, ये माता राजा याद कर लो, भाग नाग साग याद कर लो, ठीक है। इसको बोला जाता है यमड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। हम तो पूरा छंद पढ़ डालें, हम समझ भी गए, यगड़ तगड़ मगड़ नगड़ सगड़ पगड़ का कोई इस्तेमाल हमको नहीं समझ में आया, हमको तो नहीं समझ में आया, मैं बिना इसके इस्तेमाल के चीज़ों को सॉल्व करना सीख गया, और आपको भी सिखा दूंगा, तो आप भी अगड़ मगड़ तगड़ मगड़ के चक्कर मत पड़िए, ठीक है। यार कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, सर आप हिंदी की खिल्ली उड़ा रहे हैं। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बोर नहीं होने देना चाहता हूँ, इस वजह से ऐसे पढ़ा रहा हूँ। अब ये इतने में तो खत्म हो जाएगा आपका। गति, गति क्या होता है, कविता पढ़ने के प्रवाह को गति कहते हैं। किस लय में आप कविता को पढ़ रहे हैं, रणवीर चौकड़ी भर भर कर, ये क्या है, ये जो कविता को किस गति में आप पढ़ रहे हो, किस प्रवाह से पढ़ रहे हो, वही तो गति है उसकी। और यति विराम क्या होता है, यति माने रुको, यानी किसी छंद को पढ़ते समय अगर पाठक वहां रुकता है या विराम लेता तो यति है। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, तो रज पे अपने आप जाके रुक जाओगे, ऐसा वहां पे बनाया गया है, अपने आप जाके रुक जाओगे, तो यही होता है रति या विराम, यति, रति नहीं यति, ठीक है। तुक क्या होता है, चरण के अंत में जो वर्णों की आवृत्ति है, तुक लास्ट वाला शब्द मिलता है, आई जाई माई खाई, ठीक है, तो याद रखिए ये सब चीज। अक्सर जो शायरी लिखा जाता है उसमें भी तुक मिलता है ना, वही वाले तुक की बात कर रहा है। तुक को देखकर छंद को दो भागों में बांटा गया, तुकांत छंद और अतुकांत। तुकांत माने जहां तुक मिले और जहां तुक ना मिले वह तुकांत। अरे सब पूछोगे छोटी छोटी बात तो कैसे काम चलेगा। आ जाओ आज के अपने टॉपिक पे आ गए, आज भैया हमको पढ़ना है छंद के भेद, तो उतनी सी बात सीख गए पीछे, आगे सीखो छंद के भेद क्या होते हैं। छंद तीन तरह के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद, ठीक है। मुक्तक तो एकदम सिंपल सा होता है, इस पे आपको ध्यान ही नहीं फोकस करना है। आपके एग्जाम में वर्णिक और मात्रिक छंद में से केवल मात्रिक छंद ही पूछा जाता है, ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, मात्रिक छंद। वर्णिक छंद बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हम तो भैया तीनों पढ़ाएंगे। और याद रखिए वर्णिक और मात्रिक ये दोनों तीन भागों में बटा होता है, सम अर्ध सम और विषम, सम अर्ध सम और विषम। आगे देखोगे तो सम भी दो भागों में बटा होता है, एक होता है साधारण एक होता है दंडक, ये भी साधारण और दंडक, ठीक है। वर्णिक छंद में 26 वर्ड तक साधारण माने जाते हैं, 26 से अधिक जब वर्ड के इस्तेमाल होने लगते हैं तो उसको दंडक कहा जाता है, लेकिन मात्रिक छंद में 32 मात्रा तक उसको साधारण कहा जाता है, और 32 मात्रा से अगर अधिक मात्राएं आ रही हैं तो उसको दंडक कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखो वर्णिक में 26 और मात्रिक में 32, कोई दिक्कत, इतना अगर याद रख के चलो। तो अब आगे मैं बताऊंगा, थोड़ा सा सुन लो। वर्णिक छंद क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है, वर्ड, वर्णिक माने वर्ड, वर्ड की गणना, वर्ड की गणना पर रचा गया छंद क्या कहलाता है, वर्णिक छंद। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन एक उदाहरण देने के बाद ताकि आप भूलो मत। उदाहरण कैसा है सुनिए, सुनिए उदाहरण, एक कलम ले ले, रुकिए एक सेकेंड, चलिए। तो कह रहा है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलद ही निमग्ना का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। आहा क्या मजा आ गया यार है? तो अब वर्णिक छंद क्या होता है यार, इतना सिंपल होता है, पता है, जितना शब्द जितना वर्ड लिखा उसको चुन लो। जैसे देखो गिन रहा हूँ, ए काट दूँ क्या, यहीं से काट दूंगा तो यार बाद में दिक्कत होगा ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह आ गया, लिख लिया पंद्रह। देखो हर सब में पंद्रह आएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, फिर पंद्रह आ गया। ऐसे जोड़ोगे जब आप सबको, सब पंद्रह आएगा। देख लो, एक दो तीन चार, चार तीन सात, सात एक आठ, नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह फिर से आ गया, जोड़ लो फटाफट। दो के बाद हृदय था ना, तो दो हरी दय, तो तीन, दो तीन पाँच, पाँच तीन आठ, आठ दो दस, दस दो बारह, बारह दो
चौदह चौदह एक पंद्रह, सब पंद्रह 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 आ गया। तो इसीलिए तो मैं आपको बोला था कि वर्णिक छंद में क्या बराबर होता है, यहां देखो संख्या बराबर होती है और क्रम भी बराबर होता है। क्रम क्या आ गया, संख्या तो बराबर हो गया, ये तो समझ में आ गया आपको भैया, एक क्रम बराबर होना, क्रम यार यही क्रम तो सेट करना सीख बता दूंगा ना, अभी आप सर पे हाथ पकड़ोगे। देखो ध्यान से सुनो, क्रम बराबर होना मतलब होता है, यहां देखो ध्यान देना दोस्तों, अभी मैंने पीछे पढ़ाया कि जहाँ छोटी की मात्रा रहेगी उसको आप एक नंबर दोगे, बोलो एक नंबर दोगे ना, एक नंबर दोगे ना। तो अभी देखो ऐसे ऐसे करो ना, देखो जैसे यहाँ पे प्री दे रहा है तो एक नंबर एक नंबर, ठीक है एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर, जहाँ छोटी छोटी की मात्रा वहाँ सब एक एक नंबर, एक नंबर एक नंबर, मेरा इसको दो नंबर, इसको दो नंबर, ठीक है। तो देखो ये आया, और अगर आप नीचे वाला देखोगे ना तो इसी से मैच करेगा, देखो एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर, देखो निमग्ना निमग्ना यहाँ पे संयुक्त हो गया तो ये दो हो गया, ये दो हो गया, देख रहे हो, मतलब ऊपर वाले लाइन की ठीक मैच करेगी नीचे वाली लाइन। देखो सच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो दो नंबर एक नंबर, ठीक है इसको दिया दो दो एक दो दो, ठीक है ये दिया मैंने, नीचे का भी चेक करोगे तो वही मैच करेगा, भले यहाँ पे का है यहाँ पे सहारा है, देखो दो किया फिर एक किया यहाँ पर, अब सोचो ये वाला एक यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है बहुत ध्यान से समझो, फिर देखो दो दो देखो इसको इसको मैच कर गया, एक दो दो, देखो देख रहे हो, इसीलिए मैंने ऊपर समझाया था कि संख्या भी बराबर होती है और क्रम भी बराबर होता है, बात समझ में आया, क्रम मतलब अगर ये समझ रहे हो कि एक दो, अरे ये वाला जो सिखा हो यार लघु वर्ड गुरु वर्ड, पलट के वीडियो को पीछे जाओ और इसको समझ लो, ये मजाक नहीं किया हूं, अरे अरे भूल गए क्या, इसको याद कर लेना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो गिन नहीं पाओगे, तो अगर आपको गिनना तो आप ऐसे भी गिन सकते हो, पंद्रह 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 सब चल रहा है, यही तो क्या है, यही तो क्या है, सब बराबर बराबर है, तो वर्णिक छंद है। अब कहीं भी आपके एग्जाम में पूछ दे कि यहाँ पे वर्णिक छंद है कि मात्रिक छंद है, गिन लो फटाक से उठा के, अगर चारों लाइन में एक बराबर दिया हुआ है तो आपका क्या है, आपका वर्णिक छंद है, बाकी मात्रिक में ऐसा नहीं होता, मात्रिक में अलग अलग हो जाता है, यहाँ कुछ और रहेगा तो दूसरे में कुछ और रहेगा, ठीक है वहां पे सम विषम वाला कांसेप्ट आ जाता है। चलो तो अब यहाँ पे याद आ गया, अच्छा और सेम टू सेम चलता है, सोचो एक 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 एक, मतलब ये लघु और गुरु एकदम सेम सेम बराबर बराबर चलते हैं, गजब है ना, बना लोगे एक शायरी बना के दिखाओ इस तरह से, हमको मैसेज करना आप, ठीक है चलो आगे देखते हैं, या कविता ही बना लो। चलो मात्रिक छंद बोलते हैं, संख्या तो समान होती है लेकिन क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता, कहता क्रम वरम नहीं यहाँ सेट होगा मात्रिक में, संख्या समान होगी लेकिन क्रम समान नहीं होगा, तो क्रम किसमें समान होता है, वर्णिक छंद में, कोई दिक्कत। अब देखो सम मात्रिक, अब मात्रिक छंद मैंने बताया कि तीन तरह का होता है, एक सम मात्रिक होता है और बाकी अगर इसमें आप पढ़ना चाहते हो सम और अर्धसम और विषम वर्णिक में, तो हम बाद में बताएंगे, बाद में हम चर्चा करेंगे, लिखा हूं बाद में चर्चा करेंगे, अभी आपके काम के ऊपर की बात है, तो जो आपके एग्जाम में आता है केवल आज उतनी ही पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, सेकंड पार्ट में इन सारे टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा। तो याद रखिए अगर सम मात्रिक छंद बात करूं तो बहुत सारे होते हैं, सब नहीं, देखो जितना लाल से लिखा है खाली उतना पढ़ना है, मतलब इतना सारा लिखा हो खाली चार पढ़ना है, गिनके इतना सारा लिखा हो कितना पढ़ना है, चार पढ़ना है। देखो अगर जहां पे 11 मात्रा होती है उसको अहीर कहा जाता है, क्या बोला जाता है, अहीर कहा जाता है, ठीक है। जहां 12 मात्रा होती है उसको तोमर कहा जाता है, जहां 14 होती है उसको मानव कहा जाता है, 15 मात्रा को चौपाई कहा जाता है, नॉट चौपाई चौपाई 15 पे, 16 मात्रा जहां होती है उसको चौपाई बोला जाता है या अरिल्ला बोला जाता है, अरिल्ल अरिल्ल अरिल्ला नहीं अरिल्ल, चौपाई या अरिल्ल, ये 16 मात्रा। पीयूष वर्ण या सुमेरी में 19 मात्राएं होती है, लावणी राधिका में 22 मात्राएं होती हैं, रोला दिक्पाल और रूपमाला में 24 मात्राएं होती हैं, गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28, तोटक में 30 और सिरसी में 27 और बीर और आला, आला जो सुनते हो ना उसमें 31 मात्राएं, सबसे बड़ा छंद का रूप है आला, आला गाना मामूली बात नहीं है, आला आप यूट्यूब पे सुनो बहुत आया आला आला गायक, ठीक है। तो याद रखिए अब यहाँ से हमको चार पढ़ना है, कौन कौन सा, एक चौपाई पढ़ना है, चौपाई में 16 होता है, रोला पढ़ना है, रोला में 24 होता है, गीतिका पढ़ना है वहाँ पे 26 होता है, हरि गीतिका वहाँ पे 28 होता है, तो 24 दो 26 दो 28, तो याद कर लो रोला गीतिका हरि गीतिका, ठीक है। लड़कियों का नाम है रोला से रोली बना लो, गीतिका से गीता बना लो, हरि गीतिका से हरिहर गीता बना लो, ठीक है। तो इसको इस तरह से बना लो 24 26 28, और चौपाई कैसे याद करोगे, तो चौपाई ऐसे याद कर लो, पाई में ऐसे ऐसे बना रहा है, चौपाई में ऐसे मात्रा दे रहा है, ई की मात्रा ऐसे दे रहा है, तो उसको चौपाई बना लो, ठीक है, तो उसको 6 बना लो, कुछ इस तरह से ट्रिक बना लो कि आपको याद रहे, ठीक है। अब अगर हम बात करें चौपाई या अरिल्लम की, तो याद रखो हमने आपको शुरू में बता दिया कि छंद में हमेशा चार चरण होगा भैया, याद रखो, और यहां पर प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं,
प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और याद रखो तुक भी इसका बराबर होता है, तुक पहले का तुक दूसरे से भिड़ेगा, दूसरे का तुक तीसरे का तुक चौथे से, ठीक है, चौपाई में। दोहा की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, दोहा जो होता है वो अर्धमात्रिक छंद होता है, सममात्रिक नहीं होता है, सममात्रिक नहीं होता है। सममात्रिक कौन सा होता है? चौपाई। और चौपाई क्या है? चौपाई क्या है बताइए, बताइए बताइए। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा में चौपाई मिलता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश सती हूँ लोक उजागर। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश सती हूँ लोक उजागर, तो ये जो पढ़ते हैं आप, ये क्या है? यही तो चौपाई है। तो जब आप चौपाई देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि जो यति होता है ये अंत में बराबर होता है। आपको एग्जाम्पल करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश सती हूँ लोक उजागर, ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश सती हूँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, ठीक है। अब ये दे दिया, अगर आप चाहो यहाँ पे तो मैं एक चीज और आपको सिखा सकता हूँ, जो पुराना वाला सीखे उन चीज को हम लोग दोहरा देते हैं। देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, छोटी छोटी उक मात्रा है, माँ है इसलिए दो नंबर एक नंबर, फिर ज्ञान यहाँ पे भी दो नंबर एक नंबर, एक नंबर एक नंबर, दो नंबर एक नंबर एक नंबर, कोई दिक्कत आपको? एक 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 दो एक एक, और तिहू जहाँ पे चंद्र बिंदु होता है उसको भी एक नंबर देते हो, याद है ना आपको? यहाँ पे दो एक एक दो एक एक, अब बाकी आप सेट कर लेना, ठीक है। तो मैंने एक बना दिया, गिन लो आप, दो दो चार दो छः एक सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, आ गया पहले लाइन में सोलह। इसमें भी देखो दो दो एक तीन, तीन दो पाँच, पाँच एक छः, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, आ गया सोलह। तो याद रखो हर लाइन में कितना होता है चौपाई, सॉरी हाँ, चौपाई की खासियत होती है कि हर एक लाइन में सोलह मात्राएं होती हैं, हर एक लाइन में सोलह मात्राएं होती हैं, ठीक है, यह चौपाई की खासियत होती है। अब बात आती है यार कि सर कोई ऐसा तरीका बता दो ना, ये गिनना ना पड़े, गिनना ना पड़े, ठीक है, बता रहा हूँ मेरे भाई, बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। पहला तो यही ट्रिक है कि 16 मात्रा है एक तो यही ट्रिक है, नहीं सर कुछ और बताऊं? अच्छा चलो और बताता हूँ। देखो लास्ट में या तो दो लघु आएगा या तो दो दीर्घ आएगा, कहीं भी तो आप जान जाओ कि चौपाई है। दो लघु मतलब देखो लास्ट में एक एक आ रहा है, बोलो अगर दो लघु आ जाए तो जान लो क्या है आपका? चौपाई है। या दो दीर्घ आ जाए, देखो बल धामा, धामा में दो दो आएगा, नामा दो दो आएगा, ठीक है, या दो दीर्घ आ जाए। तो याद रखो आप खाली लास्ट का देखो, अगर आपको लास्ट में दो लघु या दो दीर्घ नजर आ जा रहे हैं तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा कि ये चौपाई है। ये क्या है? चौपाई। और ये कह रहा है कि लास्ट में वन टू वन नहीं आना चाहिए, तो यार वैसे भी नहीं आता हमको, नहीं आने वाला हम सवाल नहीं ध्यान देना, ठीक है, हमको क्या ध्यान देना है कि क्या देख के उत्तर मानना है, याद रहेगा, कोई दिक्कत आपको? तो ये एक तरीका होता है याद करने का। पहला तो ये तो सबके सबसे बढ़िया है कि आपको ये पता हो कि 16 16 16 है, तो फटाक से आप गिन लोगे, और नहीं तो फिर आप इस पे भी अपना उत्तर जो है टिक कर सकते हो। इसके अलावा मैं बताऊं आपको गीतिका के बारे में, गीतिका ये भी जो है सममात्रिक छंद में आता है। तो गीतिका में मैंने बताया दे रहा हूँ, ठीक है, सेटी कर लीजिए आप। देखो तो यहाँ पे जब संयुक्त होगा तो यहाँ पे दो होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? हो गया दो एक दो दो, फिर मे पे दो हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे एक दो दो, और फिर देखो यहाँ पे संयमी दो एक दो, ठीक है, बढ़ने एक एक दो एक दो, ठीक है, इस तरह से बना लेना, ठीक है, गिन लो आप इसको, दो एक तीन, तीन दो पाँच, पाँच दो सात, सात दो नौ, नौ एक दस, दस चार चौदह, पंद्रह सोलह, सत्रह अट्ठारह उन्नीस, बीस इक्कीस, बाईस तेईस, चौबीस पच्चीस छब्बीस, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कुल 26 मात्राएं। तो पहले में 14, यहां तक देखोगे तो आपको 14 मिलेगा, इसके बाद देखोगे तो आपको 12 मिलेगा, और 14 और 12 मिलकर क्या हो गया? 26, ठीक है। अच्छा यार इतनी बड़ी बात तो याद कैसे रखेंगे यार? यार एक लाइन की बात बताऊं, एक लाइन याद रखो खाली कि जो सम पद होगा, जो सम पद, सम मतलब दूसरा और चौथा, मतलब ये वाला पद और ये वाला पद, सम पद के लास्ट में दोस्तों एक और दो मात्रा आएगी, देखो एक और दो, एक दो लगे लगे हमेशा, जैसे यहाँ नहीं दिया है न ही पे दो, ठीक है, कोई दिक्कत आपको? याद रखो हमेशा सिंपल सा फार्मूला क्या है कि लास्ट में एक दो आएगा, मात्रा क्या होगी जो सम पद होगा वहां पर एक दो आएगा, कोई दिक्कत? एक लाइन में याद हो जाएगा आपको, कोई समस्या हो तो बताइए, लेकिन अगर आप मात्रा याद रखोगे तो आपको और भी फायदा मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से हरि गीतिका में दोस्तों 28 मात्राएं होती हैं, हरि गीतिका जो है यहाँ पर कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्राएं होती हैं। छोटे भाई को एक दर्जन देके बाकी अपने पास रख लिया, 16 अपने पास रख लिया, ऊपर 14 अपने पास रखा था, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका इसका भी ट्रिक है,
इसका इसमें क्या है, पहले देखो अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, ठीक है। तो अब इसको सेट करो, तो अब इसको सेट करोगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पहले देखो सिंपल में अन्याय यहाँ पर संयुक्त है ना, तो यहाँ पे दो हो जाएगा, दो हो जाएगा एक हो जाएगा, ठीक है। एक 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 दो एक 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 दो एक 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 दो एक, अरे देखो अब यहाँ दुष्कर्म है ना, अब देखो ध्यान दो दुष्कर्म है, ये आपका संयुक्त व्यंजन हो गया, तो ये भी दो हो जाएगा, दो दो। और देखो जहाँ पे उड़ने वाला र होता है ना इसको हमेशा एक बोलते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे भी दो, तो याद रखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देखो लास्ट में वही वाला काम करोगे, गीतिका हरि गीतिका सेम ही होता है, लास्ट में क्या होता है एक दो पाया जाता है, लास्ट में क्या होता है एक दो पाया जाता है, तो ये गीतिका हरि गीतिका में होता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में दोनों दे देगा तब तो आपको गिनना पड़ेगा यार, कोई तरीका नहीं है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। तो ये आप सेट कर लेना, सेट करके जोड़ोगे तो यहाँ तक आपको 16 मिलेगा और इसके बाद आपको 12 मिलेगा, ठीक है। तो अगर 16 मिल जा रहा है तो आप समझ जाओ कि यह हरि गीत का है, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग में आपको 14 मिल जा रहा है तो गीत का है, तो ऐसे भी समझ सकते हो, लास्ट में एक दो लगा के भी समझ सकते हो। रोला, ये मैं लास्ट में क्यों बताया हूँ दोस्तों, रोला में 24 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, भाई गुस्सा गया, छोटा भाई गुस्सा गया, बड़ा भाई हमेशा अन्याय करता है हमको, एक दर्जन देके और सारा अपने पास रख लेता है, अब कि एक दर्जन से ज्यादा मैं रखूंगा, तुम एक दर्जन से कम रखोगे। तो 24 मात्रा 11 अपने बड़े भैया को दे दिया, 13 अपने पास रख लिया गुस्सा के, हाँ नहीं देंगे भैया हमसे हमेशा झगड़ा करता है, याद रहेगा तरीका है यार, अगर मैं बताऊंगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। रोला, तो रोला मतलब रोने लगा, छोटा भाई रोने लगा, रोला कैसे याद रखोगे, छोटा भाई रोने लगा कि बड़ा भाई हमेशा हमको एक दर्जन देके बाकी अपने पास रख लेता है, अब कि मैं उससे ज्यादा रखूंगा और उसको एक कम दूंगा, ठीक है। एक कम मतलब एक दर्जन से कम दूंगा, तो 11 अपने बड़े भैया को दे दिया, 13 जो अपने पास रख लिया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तो अब आप जो है मात्रा को सेट कर लीजिएगा, मैं मात्रा सेट करना आपको नहीं बताऊंगा, बहुत बता चुका। यहाँ पे अंतिम में यही ट्रिक है कि लास्ट में या तो दो लघु या तो दो गुरु आता है, ठीक है, ठीक है। हालांकि ये बहुत जगह फेल भी हो जाता है, ये भी मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रोला को अलग तरीके से डिफाइन किया है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि दो लघु नहीं आ रहा है तो दो इस तरह से आ जाएगा, दो लघु आ जा रहा है, या तो दो गुरु आ जा रहा है तो लास्ट में चार आ रहा है, तो इनको भी चार बनाना है तो लास्ट में चार ऐसे आ सकता है। तो इन सारे वजहों से कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है रोला, लेकिन फिलहाल आप याद रखो कि दो लघु आता है, दो लघु और दो गुरु आता है, ठीक है। तो आप स्पेशली लघु न ध्यान देकर के गुरु ही कहिए दोस्तों, लास्ट में दो गुरु आता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर रोला में आपको गुरु ही मिलेगा, ठीक है। लास्ट में अगर दो गुरु आ जाए तो जान जाओ क्या है, जान जाओ आपका रोला है। तो एक बार मैं रिवाइज करा दूं क्या आपको, देखो हमने पढ़ा चौपाई, चौपाई में मैंने बताया कि पूरे हर जगह आपको 16 16 16 मात्रा दिखेगी, लेकिन पहचानने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखो पहचानने का इसका तरीका क्या होता है कि दो लघु और दो गुरु ये आएगा। इसी तरह से दोस्तों रोला में भी होता है दो लघु और दो गुरु, इसलिए चौपाई और रोला में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मात्राओं में अंतर होता है। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं जबकि रोला में 24 मात्राएं होती हैं। तो पता कैसे चलेगा यार, 16 मात्रा होगा तो छोटा लिखा रहेगा, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर इतना में इतने शब्द है, और इसमें आओगे तो जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि 24 मात्रा है बड़ा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि चलो दो गुरु, अगर अगर आप ये सोच रहे हो कि यार दो गुरु तो सर चौपाई में भी आता है और दो गुरु आपके रोला में भी आता है, तो हम पहचानेंगे कैसे, अरे मूर्ख इंसान एक बात बताओ कि चौपाई में 16 मात्रा होती है तो सेंटेंस भी तो छोटा होगा, और रोला में 24 मात्राएं होती हैं तो सेंटेंस भी तो बड़ा होगा भाई, एक तिहाई का अंतर है, 8 × 16 8 × 24 एक तिहाई का अंतर है, सेंटेंस यहाँ पे बड़ा होगा तो तुरंत देख के समझ जाना कि रोले की बात कर रहा है, यहाँ पे रोला है, क्या समझ रहे हो, कोई समस्या आपको, तो नहीं समस्या हो तो क्या करें हम, सर पटक लें अपना, समस्या है तो समझो ना, पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा, मेहनत से तो पढ़ना पड़ेगा ना। चलो आगे देखो, अब इसके अलावा दोस्तों अर्धमात्रिक छंद के बारे में बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है अर्धमात्रिक छंद, ये हमारा आज का आखिरी पॉइंट है, ठीक है। इसमें हमको पढ़ना है बरवे के बारे में, दोहा के बारे में, सोरठा और उल्लाला के बारे में। एक की लाइन में बता दे रहा हूँ कि बरवे में दोस्तों पहले पद में 12 और दूसरे पद में 7 होता है, जबकि दोहा में 13 11 होता है, सोरठा में 11 13 होता है और उल्लाला में 15 13 होता है। तो उल्लाला हम भी हमारे सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज हम तीन पे बात करेंगे, दोहा। तो दोहा में हमने सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ दोहा, दोहा सोरठा फिर बरवे लास्ट में। तो दोहा की बात करूँ दोस्तों, तो याद रखो जो सम पद होता है, पहली बात तो दोहा में 13 और 11 होता है। दोहा में क्या होता है, क्योंकि अब छोटा भाई गुस्सा गया है आपका, ठीक है, वो रोला था ये दोहा है, वो रोला था ये दोहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा छोटा भाई गुस्सा गया, अच्छा रोला जैसे लिखा हुआ है, रोला रोला,
तो यहाँ पर भी दो मात्रा है, फिर यहाँ पे भी दो है, देख रहे हैं रोला, उसी तरह दो, हाँ तो इसी तरह याद रखो रोला और दोहा एक जैसे होते हैं। रोला और दोहा, जैसे रोला में भी क्या हमने पढ़ा 11-13, रोला में हमने 11-13 पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है 13-11 है, ठीक है। तो रोला और सोठा एक जैसे होते हैं और दोहा आप समझ लो, ठीक है, 13-11। तो कन्फ्यूज मत होना प्लीज़, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, रट लो, रटना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी देखो दोहा में क्या होता है, जो सम पद होता है वो लास्ट में दो और एक पे खत्म होता है। दो और एक पे कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे ये पूरा दे दिया आप इसको, आप मात्रा उत्रा लगाना, अपना सिखाई दिया आपको मात्रा लगाना, ठीक है। जैसे आप मात्रा लगाई दे रहा हूँ, दो है एक है, और गुरु में देखो एक होता है। देखो गुरु दो तरीके से लिखा जाता है, एक गुरु ऐसे लिखा जाता है, ये गुरु होता है, एक होता है गुरु, ये ऐसे लिखा जाता है, तो ये गलत है, इस तरह नहीं लिखते हैं, गुरु हमेशा ऐसे होता है। तो ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है, पर यहाँ पे नहीं दिखा क्या, ये छोटा ऊ है ये बड़ा ऊ है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो, तो यहाँ देखो श्री गुरु चरण एक 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 दो एक 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 दो एक, ठीक है। तो याद रखो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि लास्ट में दो एक आएगा, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, फल चार चारी तो क्या आ जाएगा दो एक, लास्ट में जब भी दो एक आए तो आप जान जाओ कि दोहा की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अभी हमने इसके पीछे वाले में पढ़ा था तो एक दो आ रहा था, यहाँ पे देखो क्या था गीतिका और हरिगीतिका में क्या था, एक दो आ रहा था, गीतिका हरिगीतिका में एक दो आ रहा था, लेकिन दोहा में दोस्तों क्या आता है लास्ट में दो एक आता है। देखो यहाँ पे आप देखे, अगर आपको दे दिया कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे आपनों चले हमारे साथ, ठीक है, ये दे दिया पूछ दिया बताओ क्या है, तो आपको दिख नहीं रहा दो एक, दो एक मतलब क्या है, ये आपका दोहा है। अरे दोहा दो एक मतलब वो तो बोल ही रहा है, दो माने दो लिखो उसके बाद एक लिखो, दोहा में क्या बोल रहा है दो, तो लिखो ना दो, और हाँ में आ की मात्रा लग रहा है एक लिखो ना, तो दो एक। अब जैसे यहां दे दिया बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल ला गए अति दूर, पूछ दिया ये क्या है दोहा सोटा बरवे क्या है, तो क्या बताओगे, देखो दो एक दो एक, तो जहां दो एक मिल गया तुरंत आपका उत्तर साल्व हो गया, ये लगाने की जरूरत नहीं है, लाइन में पढ़ने की जरूरत है नहीं, बोलो आसान हुआ कि नहीं थोड़ा, तो आसान तो होबे करेगा, मेहनत करेंगे तो आसान नहीं होगा। आगे देखिए सोठा की बात करते हैं, सोठा जस्ट उल्टा होता है दोहा का, ठीक उल्टा। दोहा क्या था, उसमें जो सम पद था दो और चार, ये जो था दो एक था, और यहाँ पे विषम पद दो एक हो जाएगा, कोई दिक्कत, सोठा में विषम पद जो है वो दो एक हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो दो एक कोई दिक्कत, हो गया सोरठा आपका। अब बाकी इधर आप मत चेक किया करो, ठीक है, इधर आप मत चेक किया करो, इतने में हो जाएगा, जो विषम पद होता है वहां पर दो एक हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको। अब ऐसे क्या होगा ना कि आपको मात्रा नहीं लगाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट देख के उत्तर बोल सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखो, और देख लो मूक हुई वाचाल, अब देखो चार लाइन में लिख रहा है कि चीज को, मूक हुई वाचाल पंगु चढ़ाई गिरवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन, अब एकदम अजीब सा दे दिया। हमने बोला कि अगर ये सोठा है तो पहली और तीसरी लाइन जो विषम पद है वहां पे दो एक, देखो दो एक ठीक है, बस मिल जाए, बाकी यार द का भी एक है इसका भी दो है, तो हमको इससे कोई मतलब, हमको लास्ट का केवल टू पॉइंट लेना है, लास्ट का केवल दो लेना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। लो और एक एग्जाम्पल ले लो, जो सिमिरत सिद्धि हुए गण नायक करिबर बदन करहूँ अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, तो हमको क्या लेना है दो एक तो आपका क्या हो गया, आपका सोठा हो गया, कोई दिक्कत। अगर विषम पद दो एक है तो सोठा, अगर सम पद दो एक है तो दोहा। बोलो बरवे क्या होता है, बरवे में दोस्तों वही दो एक था, सम पद में दो एक, एकदम ठीक जैसे दोहा में चल रहे थे ठीक दोहा की तरह ही बरवे होता है, अंतर एक होता है कि अब इसमें एक और आगे भी लगा देते हैं लाके, एकदम ठीक दोहा की तरह। दोहा में क्या था, सम पद में दो एक था लास्ट में, यानी जो दूसरा और चौथा पद था वहां पे दो एक था, और यहाँ पे क्या है लास्ट में लाके एक और लगा दिया। अब देखो यहाँ पे उधार दिया ना एक दो एक आ गया बिहार में एक दो एक, तो आपको उत्तर क्या हो गया बरवे, आपका उत्तर क्या हो गया बरवे। गुरु भार में देखो यहाँ पे रू एक आ गया और भार में दो एक, ठीक है एक दो एक आ गया, आपका उत्तर क्या बन गया बरवे। देखो सुहाय में एक दो एक और कुंभी लाए भी में छोटी मात्रा इसलिए एक दो एक, तो ये भी क्या हो गया आपका बरवे। समझ में आया नहीं समझ में आया, चलो थोड़ा सा और लिखता हूँ कोशिश करके कुछ अच्छा के लिए, जो मैं पीछे पढ़ाया उसी को नोट करने जा रहा हूँ। मैंने आपको पढ़ाया कि दोहा,
दोहा में जो सम्पद होता है वो क्या होता है, दो और एक लास्ट में पाया जाएगा। ठीक दोहा की तरह बरवय भी होता है, ठीक दोहा की तरह बरवय भी होता है। इसका जो सम्पद होता है इसमें भी दो एक होता है, लेकिन इसके साथ एक और जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो सोरठा होता है ये दोहा का ठीक उल्टा होता है। ये क्या होता है? उल्टा होता है। उल्टा होगा तो क्या होगा? विषम पद जो होगा, विषम पद जो होगा वो दो एक होगा। आपका खत्म, अर्धमात्रिक छंद आपका खत्म। ये तीन लाइन में अर्धमात्रिक छंद आपका खत्म। बोलिए। अच्छा, मैं अगर इसी की तरह पूछ दूं कि जो मात्रिक, हाँ इसी तरह पूछ दूं कि सम मात्रिक छंद में जो हमने पढ़ा पीछे चौपाई पढ़ा, तो चौपाई में क्या हमने पढ़ा? चौपाई में हमने क्या पढ़ा दोस्तों? चौपाई में हमने देखा कि चौपाई में कुल 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में क्या होता है? 16। यहाँ पे देखो, चौपाई मैंने पढ़ाया आपको, बताया कुल कितनी मात्राएं हैं, 16। और लास्ट में क्या मिलेगा? दो लघु या दो दीर्घ। क्या मिलेगा? दो लघु मिल सकता है या दो दीर्घ मिल सकता है। दीर्घ, दीर्घ माने जान रहे हो ना, अरे लघु दीर्घ कहो, ठीक है, बड़ा मात्रा। ठीक है, तो ये होता है चौपाई। मात्राएं, कुल मात्राएं कितनी होती हैं? तो कुल मात्राएं 16 होती हैं। लेकिन इसी की तरह रोला होता है, चौपाई की तरह ही दोस्तों रोला भी होता है। जिस तरह से दोहा की तरह बरवय होता था उसी तरह से चौपाई की तरह रोला होता है। रोला में भी दो लघु होते हैं और दो दीर्घ होते हैं। ये तो बवाल हो गया, अब हम क्या करें? अंतर ये है कि यहाँ पे 24 मात्रा होती है, यानी यहाँ पे सेंटेंस जो है छोटा होता है, यहाँ पे सेंटेंस जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका ये। इसके अलावा अब हमको पढ़ना है गीतिका, पढ़ना है और हरि गीतिका को देखना है। ठीक है, तो गीतिका 24 और हरि गीतिका क्या हो गया? हरि गीतिका आपका हो जाएगा 26। अह गलती गलती गलती, गीतिका 26 और हरि गीतिका जो है ये आपका हो गया 28। ये मात्राओं की संख्या है 28। ठीक है, याद रखिए। और इसमें मैंने क्या बताया कि इसमें अलग अलग पद पे एक दर्जन देके नीचे वाले भाई को एक दर्जन, बाकी अपने पास रख लेगा। उसमें मैंने बताया एक दो होगा लास्ट में। क्या होगा लास्ट में? एक दो, एक दो। लास्ट में क्या होगा? एक दो, एक दो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको? चलिए, तो यहाँ पे भी लास्ट में एक दो आएगा, यहाँ पे भी लास्ट में एक दो आएगा। एक दो मतलब ए, पहला अक्षर क्या होगा? लघु होगा। दूसरा अक्षर क्या होगा? दीर्घ होगा। लघु दीर्घ, कोई दिक्कत आपको? तो एक दो हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा, गीतिका हरि गीतिका जब दोनों में एक दो आ रहा है तो हम पहचान कैसे करें? तो मैंने कहा दोस्तों कि जो गीतिका होता है इसमें छोटे भाई के पास 12, बड़े भाई के पास 14, लेकिन हरि गीतिका में बड़े भाई के पास 16, छोटे भाई के पास 12। तो आप यहाँ से कॉमन चीज़ देख लो कि इसके पास 16 है, इसके पास 14 है। मतलब गीतिका में जो कामा लगा होगा वो छोटा सेंटेंस के बाद लगा होगा। छोटा सेंटेंस होगा, कोई छोटा वाक्य होगा, उसके बाद एक कामा लगा होगा। लेकिन हरि गीतिका में बड़ा वाक्य के बाद कामा लगेगा। एक बड़ा सा वाक्य होगा तभी तो 16 आएगा, तो बड़ा वाक्य के बाद एक कामा लगा होगा, या तो आप गिन लीजिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज का जितना पढ़ाया हूँ वो आपका हो गया समाप्त, वो हो गया आपका समाप्त। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, दोहा में जैसे वो कितने होते हैं? 13, 11, 11, 13, ये भी याद रख लो आप। दोहा में कितने होते हैं? 13, 11, ठीक है। और सोठा इसका उल्टा होता है, 11, 13, ठीक है। बाकी बरवे में 12, 7, 12, 7 बरवे, ठीक है, 12 मात्रा और 7 मात्रा, तो ये होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा, और कोशिश करिएगा लगाने की। अभी तो सेकंड पार्ट आएगा, तो जो बचा खुचा है उसको मैं जो निचोड़ के रख दूंगा आपके सामने, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। और कोई भी एडवर्टीजमेंट पे ऐड आया और अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर यार ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने परिवार की बुराई चाह रहे हो, चाह रहे हो कि मतलब मैं पीछे हो जाऊँ ना। आप नहीं चाह रहे हो मैं लोगों के सामने आऊँ, मेरा चैनल आगे बढ़े, आपका चैनल आगे बढ़े। तो यार आगे बढ़ाओ मेरे भाई, सोशल मीडिया पे इसको शेयर करो, अच्छे से पढ़ो। अब हिंदी के पीछे मैं पड़ गया हूँ, हिंदी समाप्त करके मैं कोई दूसरा विषय शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। चलो इसको दो चार चैप्टर अच्छे से कवर कर लेते हैं, पहले छंद खत्म करते हैं, इसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक शुरू करना है। और यदि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, वन डे वन लाइनर जीएस वगैरह पढ़ना है, तो आप एग्जाम ट्रेंड पे विजिट कर सकते हैं, हमारे नया चैनल है, बढ़िया चैनल है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ कराए जाते हैं, और हिंदी वगैरह सबके क्वेश्चन वहाँ पे कराए जाते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो मैथ और रीजनिंग पढ़ना, तो 4G मैथ्स ये हमारा चैनल, उस पर आप विजिट करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।